नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। अपने प्रशासनिक सभी मशीनरी को कि जिसकी भी क्षेत्र में, जिस भी जिले में, जिस भी वार्ड में, जिस भी विधानसभा में और जिस भी बीट ऑफिसर के क्षेत्र में नशा तस्कर नशा करता है, उसके लिए वो नशा तस्कर के साथ साथ उस बीट ऑफिसर के खिलाफ, उस SHO के खिलाफ जिसके थाना क्षेत्र में नशा का तस्कर होता है, उस जिला अधिकारी के खिलाफ जिसके जिला में नशा तस्कर सक्रिय है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ भी FIR हो। कारण कि बगैर सरकार के जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, उनके बगैर संरक्षण का कोई भी नशा तस्कर नशा का सामान नहीं दे सकता। और नशा तस्करों के माध्यम से खास करके हमारे शोषित, वंचित और OBC के लोग, हमारे समाज के युवा पीढ़ियों को जो शिक्षा के ओर अग्रसर बन रहे थे, उनको गुमराह किया जा रहा है, उनका दिशा विहीन किया जा रहा है। नशा तस्कर के माध्यम से हम लोग जो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास को कहीं ना कहीं बाधित कर रहे हैं नशा तस्कर के माध्यम से। हमारे जनरेशन को, हमारे युवाओं को नशा में लिप्त किया जा रहा है। इसलिए सामाजिक तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष किरण माधिया जी ने यह आह्वान किया है, किरण कुमार माधिया जी ने आह्वान किया है, और हम किरण जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इन्होंने समाज के युवा के लिए, देश के युवा के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन का शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से आह्वान किया है। सभी राज्य के सामाजिक संगठनों को इस संगठन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारी बहुत कामयाब कोशिश किरण माधिया जी ने किया है, इसके माध्यम से सरकार को ये चेताया जा रहा है कि नशा मुक्त भारत का स्थापना करें। साथ ही हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, हमारे नई पीढ़ी को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा उनका अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है। सरकार को यह देना ही पड़ेगा। अगर सरकार हमारे सुझाव को, हमारी मांग को मानती है तो ठीक है, नहीं तो आज हम सैकड़ों की संख्या में आए हैं, 500-700 लोगों की संख्या में आए हैं। सरकार ने अगर हमारे मांग को नहीं ठुकराया, हमारी मांग को नहीं माना, तो हम हजारों और लाखों की संख्या में एकत्रित होंगे। हमारे बीच में जी दयानंद राव साहब हैं, जी दयानंद राव साहब भी अपनी बात को रखेंगे। देश में सभी युवाओं को वो पहली शिक्षा से जो आरंभ होती है शिक्षा, जहां तक वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उस शिक्षा की व्यवस्था को मुफ्त शिक्षा देने का हमारा मांग है। इस देश में जो सबसे अहम सवाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वस्थ हवा। देश के हर नागरिक को, उनके बच्चे को प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक, आगे PG की पढ़ाई के लिए इस देश में मुफ्त शिक्षा, इस देश में उस मौलिक अधिकार के तहत देश के हर नागरिक की स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त सुनिश्चित हो और देश के हर नागरिक को पीने का स्वच्छ पानी मिले, उसे प्रदूषित हवा नहीं, देश के हर नागरिक को स्वच्छ हवा मुहैया कराएं। इन मांगों को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं और सरकार से यह हमारी मांग है, शिक्षा, स्वास्थ्य और हवा जैसे मौलिक अधिकार जिसका टैक्स देश का हर नागरिक सरकार को देता है,
सरकार को अपने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और हवा जैसे मौलिक अधिकारों का मुफ्त में प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि देश का नागरिक सरकार को इस बात का टैक्स देता है। और आज हमारा ये सांकेतिक धरना है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्यों में स्थापित विभिन्न राज्य सरकारों ने हमारी मांगे नहीं मानी, तभी तो ये अंग्राई है, आगे और लड़ाई होगी, क्योंकि देश के हर नागरिक को मौलिक अधिकार की प्राप्ति अनिवार्य है। जैसे सरकार के नुमाइंदे, संसद के नुमाइंदे, विधानसभा के नुमाइंदे को फ्री में आवास मिल सकता है, फ्री में बिजली मिल सकती है, फ्री में पानी मिल सकती है, फ्री में वाहन मिल सकता है, तो देश के भी नागरिकों का यह मौलिक अधिकार है कि उसे फ्री में शिक्षा, हवा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत समस्या उपलब्ध कराई जाए। जय हिंद, जय भारत।